अपवाद मुत्तहदा के तीसरे शोबे का नाम है माशी और सामाजिक कौंसिल। अक़वाम मुत्तहदा के माशी व सामाजिक कामों में रब्त व ज़ब्त पैदा करने के लिए माशी और सामाजिक कौंसिल, इस कौंसिल को जो है तश्कील दिया गया, जिसमें कुल 54 अराकीन होते हैं और इन 54 अराकीन को जो है इजलास आम के जरिए जो है वो चुना जाता है। इनका जो इंतखाब है वो हर 3 साल के बाद किया जाता है और हर साल जो है इन माशी और सामाजिक कौंसिल के 1/3 अराकीन का इंतखाब किया जाता है। इसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जैसा गरीबी, बेरोजगारी जो है बैनुल अक्वामी तौर पर इन मसाइल पर गौर करना और इनको दूर करने के लिए जो है तदाबीर इख्तियार करना। इसकी दूसरी जिम्मेदारी है ख्वातीन के मसाइल को हल करना, बैनुल अक्वामी तौर पर ख्वातीन को खुद कफील बनाना और उनके हुकूक की हिफाजत करना। इसका जो है तीसरी जिम्मेदारी ये है कि बैनुल अक्वामी सतह पर तालीमी और सकाफती राबते को कायम करना। अक्वाम मुत्तहदा से मुंसलिक इदारों के काम में जो है मुताबिकत कायम करना, ये भी जो है माशी और सामाजिक कौंसिल की जिम्मेदारी है। अक्वाम मुत्तहदा के चौथे शोबे का नाम है बैनुल अक्वामी अदालत। प्यारे बच्चों, अक्वाम मुत्तहदा के अदालती शाख को बैनुल अक्वामी अदालत कहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो नेदरलैंड इस मुल्क में दी हेग इस शहर में वाक़ है। बैनुल अक्वामी अदालत में कुल जो है 15 जज होते हैं, जिनका इंतखाब सलामती कौंसिल और इजलास आम के जरिए किया जाता है। अब जाहिर सी बात है बैनुल अक्वामी अदालत है तो कानून के मुताबिक ही जिम्मेदारी होंगी, तो इनकी जिम्मेदारी जो है बैनुल अक्वामी अदालत की जिम्मेदारी में सबसे पहले जिम्मेदारी है कि 2 या 2 से ज्यादा ममालिक के दरमियान जो सरहदी मामलात है, तनाज़ात है, उनको हल करना, जो बैनुल अक्वामी कवानीन है उनके जो है उनका मुनासिब मफहूम समझाना, उनके कानून को समझाना, अक्वाम मुत्तहदा के जो शोबे हैं और अक्वाम मुत्तहदा के शोबों के जो ज़ेली इदारे हैं उनको कानूनी राय देना, ये जो है बैनुल अक्वामी अदालत की जिम्मेदारी है।